नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जी के आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम आप सब के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आपको जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, जो ऑफलाइन क्लास के तहत जो बच्चे हमसे सॉयल लेसन को और एग्रीकल्चर लेसन को पढ़े हैं, उन सब के लिए एक सेट है यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों का है और इससे आपका अपने आप का मूल्यांकन करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उससे आप जब यहाँ पर क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो फिर आपको एक अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि मुझे जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसमें कितना मेरी पकड़ बनी है। तो उसी से रिलेटेड आइए सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं, जो दो ही टॉपिक को हमने उठाया है, कृषि और मिट्टी से। चलिए आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है। तो मैंने क्वेश्चन जो बताया उसमें ये क्वेश्चन लिखा गया है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें पालतू पशुओं के चारे के बारे में हो, आश्रय के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो और प्रजनन के बारे में हो। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन दिया है उसमें दे रहा है कि डेयरी विज्ञान, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि डेयरी विज्ञान का संबंध दूध से होता है और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट से होता है, तो डेयरी साइंस नहीं होगा। पशु चिकित्सा विज्ञान में केवल हम पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उसके निदान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद है कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्म जिसको हम कहते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम जो मुर्गा मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये जो पशुपालन दिया है जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ये आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें पालतू पशुओं के चारे से लेकर आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलती है, तो आपका सही आंसर इसमें बन जा रहा है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए क्या होना जरूरी है। ऑप्शन जो पहला दे रहा है उसमें दे रहा है कि संयत तापमान, मतलब एक समान तापमान होना चाहिए, चलिए ये तो सही है, लेकिन भारी वर्षा जो ऑप्शन दे रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गेहूं एक रबी फसल है और रबी फसल की जो बुआई होती है वह ग्रीष्मकाल में होती है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा, ये एकदम गलत है, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और ये जो है फसल मार्च अप्रैल में काटा जाता है, तो ग्रीष्मकाल में ये तैयार होता है, इसलिए भारी वर्षा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि आर्द्र तापमान, आर्द्र तापमान ये जो दे रहा है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आर्द्र तापमान तो इसके लिए चाहिए ही नहीं। फिर उसके बाद सी नंबर में देखिए वही हाल, आर्द्र तापमान यानी ये भी गलत होगा, और डी में देखिए संयत तापमान यानी एक समान तापमान और एक समान वर्षा अगर हो तो ये सही है, ये सही होगा, आपका सही आंसर बनेगा संयत तापमान और संयत वर्षा यानी एक समान वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंट, जो न्यूज़ प्रिंट है जिसको हम अखबारी कागज भी कहते हैं, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ से आता है, यानी अखबार के लिए जो कागज मिलता है वो अखबारी कागज किससे तैयार होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें शंकुधारी वन, और आपको जानकारी होना चाहिए कि यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन्हीं शंकुधारी वनों को हम एक और नाम से जानते हैं और ये भी नाम बहुत ही फेमस है इसका, कोणधारी वन, तो शंकुधारी कहें या कोणधारी कहें ये आपका सही आंसर बनेगा। और रही बात कोणधारी या शंकुधारी वनों की, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये वन पर्वतों पे पाए जाते हैं और पर्वतों पर भी देखिए ये कैसे ये पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो आपको 1500 मीटर यानी पर्वतों पे जब आप 1500 मीटर की हाइट पे जाएंगे तो इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यानी 1500 मीटर से ऊपर और 3500 मीटर से नीचे तक आपको ये पेड़ मिलेंगे। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी या शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगर इन वनों के बारे में पूछा जाए कि इन वनों का कुछ एग्जांपल बताएं कि कौन कौन से पेड़ इसमें आ सकते हैं, तो इसमें आता है देवदार, ओक, फर, स्प्रूस, चीड़, ये सारे पेड़ शंकुधारी या कोणधारी वन कहे जाते हैं और इन्हीं पेड़ों से न्यूज़ प्रिंट यानी अखबारी कागज़ निकलता है। ठीक है, तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लंबे स्टेपिल किस्म की कपास,
स्टिपिल किस्म की कपास, मतलब इसका ये हो गया कि जो लंबे फर वाले कपास होते हैं वो किस देश में उगाई जाती है। तो देखिए, हमारी इंडिया की बात की जाएगी तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के साथ क्या है कि भले ही भारत कपास का मूल स्थान रहा है, यानी यहीं से कपास की खेती शुरू हुई है, क्योंकि कपास की खेती किसी ज़माने में सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में भी हुआ करता था। तो कपास भारत का मूल फसल तो है, लेकिन यहाँ पर छोटे फर वाले कपास मिलते हैं, लंबे रेशे वाले नहीं। लंबे रेशे वाले जिसको हम स्टेपिल किस्म कहते हैं, ये कपास कहाँ पाया जाता है? मिस्र में। इसका सही आंसर आपको होगा मिस्र, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि लैटेराइट मिट्टी, जी हाँ, मैंने जो मिट्टी लेसन को पढ़ाया है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। मिट्टी जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने बताया था, और जो क्वेश्चन लिखा है उस पर आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें क्या होता है? तो मैंने बताया था कि लैटेराइट मिट्टी तीव्र निक्षालन की क्रिया से बनता है, यानी उन क्षेत्रों में जहाँ पर तेज़ वर्षा होती है वहाँ पर मिट्टी का ऊपरी परत कटकर बह जाता है, और ऊपरी परत कटकर बहने के बाद जो नीचे मिट्टी मिलती है वही लैटेराइट मिट्टी होता है, जो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। सामान्य तापमान, जी हाँ, सामान्य तापमान बिल्कुल नहीं होगा, ये एकदम गलत है। और उसके साथ देखिए कम वर्षा भी दे दिया है, एक तो एकदम होगा ही नहीं, क्योंकि ये वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। उसके बाद दे रहे हैं उच्च तापमान और दे रहा है भारी वर्षा, तो भारी वर्षा यानी ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आगे भी और ऑप्शनों को देख लेते हैं। फिर उसके बाद निम्न तापमान अल्प वर्षा आ गया साथ में, यानी कम वर्षा, ये बिल्कुल गलत, यानी ये भी नहीं होगा। उच्च तापमान तो ये तो सही है। सामान्य वर्षा यानी ये भी गलत। कुल मिलाकर आपका एक ऑप्शन जो है इसमें सही दिख रहा है, जहाँ पर भारी वर्षा की बात हुई है, तो जहाँ पर तापमान ज़्यादा है वहाँ पर वर्षा होने का परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान उच्च होता है तो वाष्पीकरण की दर काफी बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण की दर जितना अधिक होगा उतना ही ऊपर जाने के बाद वो वाष्पीकृत गैसें जाकर संघनित होती हैं, और संघनित होकर फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं। तो लैटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में ही पाई जाती है जहां पर उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। खरीफ की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल की बात हो गई तो थोड़ा सा आइए हम इसको समझ लेते हैं। खरीफ फसलों की बुआई का समय, यानी इसका पूछा गया है बुआई, तो याद रखेंगे इसका बुआई का समय अलग होता है और कटाई का समय भी अलग होता है। अगर हम बुआई के समय की बात कर दें तो इसका बुआई का समय होता है आपको जून जुलाई में, यानी ये फसल बोई जाती है जून जुलाई में, और इसको काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है ना, कटाई होता है इसका कब? अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ पर देखें, अब ये कह रहा है कि कब बोई जाती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जब बात आती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जो है वो होती है आपको जून के समय, है ना। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो ये जून के समय होता है, और जून से जब आगे बढ़ेंगे, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में वर्षा का जो समय है वो 15 जून से 14 सितंबर तक होता है, तो 14 सितंबर में मानसून अंत होने लगता है। 14 सितंबर के समय मानसून जो है अंत होने लगता है, और 14 सितंबर का मतलब क्या हो गया आपको? लगभग अक्टूबर में आ गए, अब 15 दिन कम पड़ेगा उसमें। तो यहां देख लें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में तो ये सही होगा आंसर, यही आपका पहला ही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि भारत में आने वाले मानसून को हम दक्षिण पश्चिम मानसून ही कहते हैं, जो हिंद महासागर से उत्पन्न होकर भारत के केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। उत्तर पश्चिमी मानसून ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो होगा ही नहीं। उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो लौटते हुए मानसून को भी समाप्त करने के बाद की बात कर रहा है। तो ये आपका सही आंसर कौन जा रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, यही आपका सही आंसर है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन
बच्चों, मैंने आपको ये निश्चित रूप से क्वेश्चन बताया है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो चाय के बारे में अगर बात की जाए तो भारत में चाय बहुत अधिक होता है। भारत चाय का एक बहुत बड़ा उत्पादक भी है, भारत चाय का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है, और भारत चाय का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश भी है। हालाँकि चाय की खेती हमारे देश में स्टार्ट नहीं हुआ, चाय की खेती हम लोग चीन से ला कर शुरू किए थे, लेकिन फिर भी भारत में चाय बहुत अच्छा खासा होता है। और अगर हम बात करें भारत में चाय की, तो सबसे अधिक चाय भारत के असम राज्य में होता है। लेकिन अगर चाय की सबसे बेस्ट क्वालिटी की बात की जाए, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का चाय दार्जिलिंग की चाय होती है, और ये दार्जिलिंग आपको असम में नहीं, वेस्ट बंगाल में आता है, यानी पश्चिम बंगाल में आता है। मैंने आपको इस बात को बताया था कि दार्जिलिंग की चाय इतनी बेहतर होती है कि वो अपने मोहक स्वाद और सुगंध के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, और यही कारण है कि हमारे देश की चाय का सबसे बड़ा आयातक देश ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन लंबे समय तक भारत को गुलाम बना कर रखा था, और इस बीच उसने भारतीय चाय का स्वाद लिया था, इसीलिए वो भारतीय चाय को भूल नहीं पाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, उसमें यह दिया है कि ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। वर्षा ऋतु के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। तो देखें, वर्षा ऋतु में ही उगाई जाती हैं खरीफ फसलें, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वर्षा के समय ही शुरू हो जाता है। रबी फसलें जो हैं ये वर्षा ऋतु के बाद उगाई जाती हैं, यानी ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि रबी फसलों की जो बुआई का समय है वो अक्टूबर नवंबर है, और उस समय तक देश में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। तंबाकू, जी हाँ, तंबाकू के उत्पादन में इस समय चीन सबसे आगे है, लेकिन भारत में भी तंबाकू की खेती काफ़ी अच्छा होता है, और ख़ास करके भारत का जो एक राज्य है आंध्र प्रदेश, और उससे अलग हुआ तेलंगाना, ये भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तंबाकू की बहुत अधिक खेती होती है। और तंबाकू के बारे में जो बात किया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि इसमें मृदा में, यानी जो तंबाकू की खेती होती है, इसकी मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। जी हां, याद रखिएगा, चुनीदार द्रव्य ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, कार्बनिक पदार्थ भी नहीं होगा, इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक पोटाश होगा तंबाकू की खेती उतना ही बेहतर होगा। तंबाकू के बारे में अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये पूछा जाता है कि भारत में तंबाकू बोर्ड कहां पर है, गुंटूर में, और भारत में तंबाकू शोध संस्थान कहां है, राजमुंदरी में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आता है कि तंबाकू में कौन सा संवेदनात्मक पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन, और ये क्वेश्चन दे दें कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, असम, क्योंकि तंबाकू और उससे बने पदार्थों पर सबसे पहले असम ने ही प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू में एक बहुत ही खराब बीमारी होती है, जिसे हम मोज़ेक रोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, विश्वतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बगान पाए जाते हैं। विश्वतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बगान पाए जाते हैं। देखिए, बात रबड़ की हो रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि रबड़ उत्पादन में इस समय सबसे दुनिया में अगर आगे कोई देश चल रहा है, तो वो देश है मलेशिया। रबड़ उत्पादन में इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन जिस राज्य में होता है, वो राज्य है केरल, है ना। केरल में बहुत अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि रबड़ के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये पूछा जाता है कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं, और जब अत्यधिक कठोर बनाना हो तो उसमें कार्बन मिलाते हैं। रबड़ जो है पहले द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन बाद में उसको ठोस बनाया जाता है, और ठोस बनाने की प्रक्रिया को हम वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर श्रेणियां बना दी जाती हैं। जी हां, आप यदि पढ़े होंगे मुझसे, तो निश्चित रूप से आपको ये मालूम होगा कि भूमि के कटाव को रोकने के लिए पहाड़ी भागों में लोग श्रेणियों के आकार में खेतों को काट देते हैं, और उसका नाम वो लोग क्या रखते हैं, यानी इस प्रकार की
काट कर श्रेणियों बनाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समोच्च रेखीय जुताई, इसको समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। जी हाँ, यही आपका सही आंसर होगा। आच्छादन रोपण नहीं होगा, पट्टीदार भी नहीं होगा, सोपानी कृषि भी नहीं होगा। और आपको बताना चाहिए कि इस प्रकार की खेती भारत में सबसे अधिक उत्तराखंड में राज्य में होती है। इसके अलावा यह खेती पूर्वोत्तर राज्यों में भी होता है, यानी जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे श्रेणियों के आकार में खेतों को काट कर जो है खेती की जाती है, ताकि बारिश अगर होती है, यहाँ पर बारिश अगर होती भी है तो पहले इन क्षेत्रों में जो है मिट्टी का कटाव होकर पहले भरेगा, उसके बाद फिर यहाँ से इसमें आएगा और फिर यहाँ पर ये भरने के बाद फिर जो है मिट्टी नीचे जाएगा। यानी कटाव तो होगा लेकिन कटाव की जो दर होगा ना वो काफ़ी कम हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई सबसे अधिक प्रचलित है? जी हाँ, नहरों से सिंचाई, सिंचाई के साधनों की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई जिससे होती है वो है आपको नलकूप। इंडिया में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों के माध्यम से 46.3% भाग पर नलकूपों से सिंचाई होती है। और इस मामले में सबसे अगर आगे कोई राज्य है नलकूपों से सिंचाई के मामले में तो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर नहर, नहर की भी जो बात किया है कि नहर से सिंचाई के मामले में सबसे आगे कौन है, तो देखिए नहरों से सिंचाई के मामले में सबसे आगे भारत में जो राज्य हैं वो राज्य हैं पंजाब, वो राज्य है आपका पंजाब, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल दिया ही नहीं है। अब रही बात पंजाब के अलावे और नहरों से कहाँ सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में भी होता है आपको, हरियाणा में भी होता है और बिहार राज्य में भी होता है। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नहरों से सिंचाई होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से तमिलनाडु ये तो बिल्कुल गलत है, महाराष्ट्र ये भी गलत है, सिक्किम भी गलत होगा, उत्तर प्रदेश एक ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश होगा। वैसे नहरों से सिंचाई के मामले में सबसे आगे जो राज्य है वो आपका राज्य कौन सा है, पंजाब। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नहर ही है, जिसके माध्यम से भारत में टोटल 23.66% भूमि पर सिंचाई का कार्य होता है। तो चलिए हम फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गरम मसालों का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? गरम मसालों की बात आ गई तो याद रखिएगा भारत में मसालों की खेती सबसे अधिक होती है केरल में। इंडिया में केरल एक ऐसा राज्य है जिसको मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1498 में जब यूरोप निवासी वास्को डिगामा इंडिया आया था तो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां के राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत भी किया था और साथ में कुछ मसाले भी उनको दिए थे और उस मसालों को ले जाकर वह यूरोप के बाजार में बेचकर 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। जिसके बाद यूरोपियन लोगों की होड़ लग गई थी भारत आने की और शायद यही वो मसाला है जिसने धीरे धीरे भारत को गुलामी की तरफ धकेल दिया था। तो केरल भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादक राज्य है। अब बात अगर देखिए इन सब क्षेत्रों की बात आ गई तो ये क्षेत्र से के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। दक्कन ट्रैप ये नहीं होगा क्योंकि ये बेल्ट आपको पड़ता है गुजरात और महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखें अगला है मालाबार तट, यही आपका सही आंसर बनेगा क्योंकि केरल के मालाबार तट में ही मसालों की बहुत अच्छी खासी खेती होती है। कोरोमंडल तट ये नहीं होगा क्योंकि कोरोमंडल तट है आपको तमिलनाडु में और सुंदरवन का डेल्टा तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये है पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। फिर आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, कथन सही नहीं है ये आपको चुनना है। कह रहे हैं कि पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है। जी हाँ, पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है और आप पढ़े हैं तो आपको पता होना भी चाहिए कि पंजाब गेहूं के उत्पादन में बहुत आगे इसलिए नहीं कि उसके पास एरिया ज़्यादा है, बल्कि इसलिए पंजाब आगे है क्योंकि कम जमीन में अगर इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं कहीं होता है तो राज्य पंजाब है। क्वेश्चन ये पूछता भी है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका आंसर पंजाब ही होगा।
लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो ये तो सही स्टेटमेंट हो गया, यानी ये आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद रहे कि असम में चाय का उत्पादन होता है, जी हाँ भाई जी बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि भारत में इससे अधिक चाय किसी राज्य में होता ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। कह रहे हैं कि कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जी हाँ ये भी सही है, क्योंकि कर्नाटक पूरे भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, जिसको भारत का कहवा पात्र भी कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया, यानी ये भी आपका सही नहीं जो पूछा है उस हिसाब को ये फॉलो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद रहे कि हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, जी नहीं यही गलत है, और जो गलत है वही आपका आंसर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि केसर के उत्पादन में सबसे आगे अगर कोई राज्य है तो राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो यही आपका आंसर है, क्योंकि जो पूछा है कि जो सही नहीं है वही आपका आंसर है। चलिए फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन। निम्नलिखित में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कौन सी ऐसी मृदा है जो कपास की खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। तो इतना आसान क्वेश्चन तो मुझे लगता ही नहीं कोई होगा, क्योंकि कपास एक ऐसा जो है फसल है जो सबसे ज़्यादा होता है काली मिट्टी में, जिसको हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, जिसको हम करैल मिट्टी भी कहते हैं, जिसको हम चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, जिसको हम लावा मिट्टी भी कहते हैं, जिसको हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मिट्टी में नमी अधिक होता है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और ये भी याद रखिएगा कि जब बैसाल्ट चट्टानें टूटती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, और भारत का डेक्कन ट्रिप, अभी जो इसके पहले क्वेश्चन में हम बताए हो, डेक्कन ट्रिप काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात और महाराष्ट्र में जाता है, यानी सबसे अधिक काली मिट्टी का क्षेत्र गुजरात है। कपास इसकी सबसे बेहतरीन फसल है, लेकिन इसके अलावा मूंगफली और गन्ना की खेती भी अच्छा खासा इसमें होता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताएं। जी हाँ, सिंचाई नहर में अगर हम बात करें तो यमुना नहर नहीं होगा, सरहिंद भी नहीं होगा, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, जिसको राजस्थान का आत्मा भी कहा जाता है। जी हाँ, ये वो नहर है जो राजस्थान की प्यासी भूमि को तृप्त करने का कार्य करता है, और ये नहर सतलज नदी से निकाली गई है, जो कि बहुत बड़ा नहर है, और ये राजस्थान की जो प्यासी भूमि थी, जहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम हो पाती थी, उस भूमि के लिए ये वरदान साबित हुआ है। इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है किस नदी से, सतलज नदी से। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अच्छा प्रश्न है ये, शीतकाल में पौधे मर जाते हैं, जी हाँ पाला से मर जाते हैं, ऐसा होता है, खास करके आप सुने होंगे एक फसल जो पालों से काफ़ी अधिक प्रभावित होता है, जिस फसल को हम कहते हैं आलू, और आलू को लेकर देखिए क्वेश्चन आता भी है कि सब्जियों का राजा किसे कहते हैं आलू को। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आलू को हम का कौन सा भाग खाते हैं, यानी आलू का हम जड़ खाते हैं कि तना खाते हैं कि पत्ती खाते हैं, तो आलू का हम लोग तना खाते हैं। अब देखिए ये तुषार से मर क्यों जाते हैं, आलू के पौधे मर क्यों जाते हैं ज़्यादा ठंड पड़ने से, तो इसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, जी नहीं ऐसी बात नहीं है, वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है लेकिन होता है, तो ये नहीं होगा आंसर। इससे कम तापमान पर प्रकाशन नहीं हो पाता है, जी नहीं ऐसा भी नहीं है, इससे कम तापमान पर भी प्रकाशन हो जाता है। कह रहे हैं कि इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है, नहीं श्वसन की क्रिया तो हमेशा चलती रहती है, ये भी गलत है, ऊतकों को यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, जी हाँ यही आपका सही है आंसर, क्योंकि इससे जो टीशू होते हैं वो टीशू जो है इससे गल जाते हैं, और उसमें नए नए जो कलियां निकलने वाली बात होती है वो निकल नहीं पाती हैं, जिससे आलू मजबूती से बैठ नहीं पाता है, और छोटे छोटे आलू जो हैं ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है पाला, जो आलू की फसल को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, फिर आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बेहतरीन क्वेश्चन, लंबे घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं, काली मृदा, जी नहीं लंबे घास प्रेयरी वनस्पति, प्रेयरी कांगो बेसिन, याद रखिएगा घास का मैदान है कांगो बेसिन, और इसके नीचे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम कहते हैं चेरनोजम मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी ये सही इसका आंसर होगा। चेस्टनेस्ट मृदा ये भी गलत है, टेरो रोसा मृदा ये भी गलत है, आपका सही आंसर होगा चेरनोजम
मृदा। तो ऐसे ही आप मेरे द्वारा अनेकों प्रकार के ऑब्जेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास भी करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है, यानी किस फसल को लेकर भारत में हरित क्रांति काफी सफल रहा था। तो आपको मैं बता दूं कि भारत में हरित क्रांति का दौर 1966 और 67 में शुरू हुआ था, जो पंत नगर से शुरू हुआ था, और इसको श्रेय जाता है किस व्यक्ति को जिन्होंने इसी को शुरू किया, M.S. स्वामीनाथन। वो व्यक्ति थे भारत के कौन, M.S. स्वामीनाथन, जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और भारत में हरित क्रांति से अगर सबसे अधिक लाभ किसी फसल को हुआ था तो वो फसल है आपको गेहूँ, जो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन दिया। गेहूं के बाद दूसरा सर्वाधिक लाभान्वित फसल था चावल, लेकिन यहां पर सबसे अधिक पूछा गया है तो आपका सही आंसर गेहूं बनेगा, है ना। अगर विश्व में हरित क्रांति की बात की जाए कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में कहां से हुई थी, अमेरिका से। और अमेरिका में हरित क्रांति को शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे, जिनको विश्व हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं, उनका नाम है नॉर्मन ऑर्नेस्टो बोरलॉग, जिनके नाम पर कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए हम फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है, जी हाँ, यानी कि इंडिया में सबसे अधिक किस फसल की बुआई होती है। तो यहाँ पर जान लेंगे बाबू कि भारत में हरित क्रांति में सबसे अधिक फसल जो लाभान्वित हुआ था वो था गेहूँ, लेकिन भारत में सबसे अधिक खेती अगर किसी की होती है तो वो है धान की। यानी धान भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो भारत के कुल सिंचित भाग के 46% भाग पर खेती की जाती है। अगर मैं बात करूं गेहूं की, तो गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है और इसका खेती होता है 15% भाग पर। यानी आपका सही आंसर जाएगा कौन, धान। ये भारत में सबसे अधिक बोया जाता है और इंडिया के लोगों का सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ भी है। दूसरा जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है वो है गेहूं, लेकिन ये याद रखें कि अगर हरित क्रांति में पूछे कि सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ, तब गेहूं। यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित गेहूं, दूसरा सर्वाधिक लाभान्वित धान, भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल धान और दूसरा सर्वाधिक प्रमुख खाद्य फसल गेहूं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, भारत के एक ढलनदा पर्वतीय भूभाग में, पर्वतीय बात किया यानी ढाल जहाँ पर हो और पर्वत हो, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 200 सेंटीमीटर का वर्षा का मतलब बहुत अधिक हो गया, क्योंकि भारत में एवरेज वर्षा होती है 116 सेंटीमीटर और यहाँ 200 सेंटीमीटर की बात किया, यानी कि वर्षा काफ़ी अधिक हो। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि किस फसल की बढ़िया खेती होती है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर बनेगा चाय। चाय एक ऐसा फसल हो गया जिसको वर्षा की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इस फसल के साथ एक दिक्कत क्या है कि वर्षा तो अधिक चाहिए लेकिन जड़ों के पास पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ों के पास पानी का जमाव हो गया तो उस परिस्थिति में ये फसल सड़ जाती है। जबकि इसके विपरीत यदि आप धान की फसल को देखेंगे तो धान की फसल को भी वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन चाय की तरह उसको वर्षा की आवश्यकता नहीं है, चाय जितनी वर्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धान के साथ क्या कंडीशन है कि अगर पानी हो, ज़्यादा नहीं हो तब भी काम चलेगा, थोड़ा भी हो, लेकिन वो पानी जड़ों के पास जमना चाहिए। अगर पानी का जमाव जड़ों के पास होगा तो धान उच्च पैदावार देगा, लेकिन चाय कहता है कि पानी खूब हो लेकिन वो पानी जड़ों के पास जमना नहीं चाहिए, अर्थात वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। यही कारण है कि चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आप इसका आंसर समझ गए होंगे। तो ये आपके कुछ प्रमुख क्वेश्चन रहे, फिर मैं अगले क्लास में कृषि से संबंधित कुछ और भी ऑब्जेक्टिव को लेकर आऊँगा। तब तक हम आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद।